तो गैस ऐसे लोग राधे राधे स्वागत है मेरे छोटे भाई के कनून ब्लॉग में। तो गैस अम्मा अम्मा क्या बना रही थी? उबाल के बनाया है ना जी कुछ कच्चे आम, उबाल के आम का जूस बना, आम रस बना रहे हैं, सब्जी में खाया जाता है। फ्रेंड्स आम रस बना रही हैं अम्मा। कच्चे आम लिए थे, उबाल लिए, ऐसे करके कन का जूस निकाल रहे हैं जी। आम यहाँ से बनाए ना? हाँ कच्चे आम है ये, इनका जूस निकाल रहे हैं, निकाल के इनकी सब्जी बनाएंगे मीठी। ये देखो कच्चे आम लिए थे हमने, अब चाकू लाओ ना, चाकू से इसका रह गया वो भी निकाल लूं। इनकी सब्जी बनेगी खट्टी मीठी, बहुत टेस्ट लगती है खाने में। पिछली बार आपने वो बनाए थे क्या बोलते हैं, वो तो लौजी थी आम की, ये उबाल के बनती है, वो कच्चे आम की बनती है। हम निकाल लेते हैं और निकाल के इसको तैयार कर रहे हैं अभी हम। फ्रेंड्स देखिए हमारा ब्लॉगर आ चुका है। हेलो गाइस, इसे हम पूरा छील लेते हैं ना? पहले तो उबाले थे ये कच्चे आम, उबाल के ठंडे हो गए, जब से इसमें दाब दाब के सॉफ्ट की है वो निकाल दिया, अब निकला नहीं है, इसमें रह गया है लगा, तो इसको साफ करके ऐसे छिलका पर से गूदा उतार रहे हैं। तो गाइस हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे आम रस कैसे बनता है। सारा गूदा निकल आया, अब चलते हैं किचन में तैयारी करेंगे इसका, चलो बनाने की। कढ़ाई में बन दिया कुकर में, अब हाथ साफ कर लेते हैं यार, साफ बनने हुए हाथ जी। कढ़ाई में बनेंगे कुकर में, गुठली तो निकाल लेते हैं, क्यों ये पक्के चूसने में बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसे बच्चे बड़े स्वाद से खाते हैं गुठली को। हाँ गुठली को चूसते हैं मुँह से पकड़ पकड़ के। अभी तो मिक्सी में डाल लियो ना, मिक्सी ना कटोरी में रखेंगे, ये नहीं कटोरी। अच्छा इसका गूदा मिक्सी में डाल लेंगे, इसमें और क्या क्या डालोगे? ग्राइंड कर लेंगे इसे मिक्सी में। हाँ फ्रेंड्स ये मिक्सी में पिस रही है, ये पिसु की हो गया, बहुत अच्छा बन गया जूस। पिस बन गया मतलब वो बन गया मिक्स हो गया ये पिस के। अच्छा फ्रेंड्स अब अम्मा ने कढ़ाई रख दी है, मैं तेल डाल ली हूँ, थोड़ा सा तेल बस, थोड़ा सा तेल पड़ता है इसमें। फ्रेंड देखिए अम्मा कढ़ाई में तेल डाले है अम्मा ने, अब देखिए फ्रेंड्स अम्मा क्या बना रही हो? मीठी सॉस बना रहे हैं सब्जी रोटी खाने की। अच्छा सब्जी होती है ये मीठी, पहले आपने वो भी तो बनाई थी ना आम की लौंजी? लौंजी नहीं है ये, अच्छा आम का सब्जी है ये। अच्छा ये तेल गर्म हो जाता है तो इसमें जीरा डालते हैं। आज तुम्हें बहन ने लेट कैसे छोड़ा ट्यूशन से? मुझे नहीं पता, मैं तो रूम को बंद कर रहा था, अभी देखो मैं। हाँ। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी, अब इसमें हल्दी पड़ रही है, आपने स्टार्ट ही कर दी, बन नहीं रही। क्या करते फिर तुम्हें लेट हो गए थे। फ्रेंड्स अब अम्मा ने आम पीस लिया, पीस के अब इसमें हल्दी बन गई, जीरे से छौंक लगा दिया इसमें, हल्दी और जीरे से। हाँ नहीं हल्दी पहले जीरा डाला, फिर हल्दी भी डाल दी तेल में थोड़े से, में एक चम्मच तेल में मिक्स भुन गई, अब इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब इसको आम का जो पीस कर रखा है ना इसे डाल रहे हैं। धुआं सा हो गया, देखो ये अभी से कितने देर में गर्म होने थे? अभी तो देख तैयारी में मसाले भी पड़ेंगे इसमें, इसमें मसाले पड़ेंगे, मिक्सी है ये, धो के इसमें पानी डाल दो, इसमें लगा हुआ है ना इसमें। और फ्रेंड्स आग हमें धीमी रखनी है, चलो गैस चलती है तेज नहीं, पानी डाल दिया, अब देखो जो ये गुठली रखी थी ना उली हुई। हाँ। ये भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स अम्मा थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे, ये घर का
कुटा हुआ है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक का डिब्बा कहाँ है? जी है नमक का डिब्बा। काला नमक तो है नहीं शायद? पता नहीं, मम्मा से पूछो। काला नमक, काला नमक ना हो तो सफेद नमक भी चलता है। और क्या? और अच्छा गुड़ कहाँ ही रखा है? फ्रेंड्स में थोड़ा सा गुड़ भी डालते हैं। कब कौन कौन नहीं, हमारे घर खत्म हो गया है तो इसलिए हम चीनी ज्यादा डाल देंगे। गुड़ तो थोड़ा ही पड़ा है। जरा सा गुड़ नहीं था तो चीनी डाल लें। जरा सा था गुड़ तो। गुड़ के अलावा चीनी चल रही है। मीठा तो स्वाद अनुसार जैसा भी आप लोग खाते हैं वैसा मीठा कर लीजिए। गुड़ नहीं है तो चीनी चलेगी। फ्रेंड्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। ये रोटी से, पूरी से, पराठे से, हाँ। इसे किसी से भी खा सकते हो। इस सब्जी का नाम क्या रखे फ्रेंड्स बताना आप कमेंट में। जब मैं पहली बार बनाई होगी। पहली बार बनाई है हमने। वैसे बनाते हैं अम्मा, हमारी अम्मा ना हमारी मम्मी बनाया करती थी जब हम खाते थे। जरा सा पतला और कर लूं। बस फ्रेंड देखिए अम्मा इसमें कलर डालेंगे। अब खाने वाला कलर, खाने वाला जो कलर होता है। तैयार हो गई है। तैयार हो गई है। अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स गुन्नू आपके पसंद है, गुटली चूसेगा आपको। देखिए इसे बच्चे बहुत मन से खाते हैं। पूरी से, पराठे से, रोटी से, किसी से भी खाओ। ये बहुत स्वादिष्ट बनती है खट्टी मीठी आम, कच्चे आम की सब्जी। फ्रेंड देखिए हमारी कच्चे आम की सब्जी बनके तैयार हो गई है और हमारे बहुत अच्छी बनाई थी। देखिए देखिए हमारी कच्चे आम की सब्जी और इसमें गुठली भी है और आम भी है। फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग एंड तक था। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमें चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय।